लॉकडाउन 2 के बाद कोरोना पॉजिटिव की वृद्धि दर में गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो शुरुआती वृद्धि के अनुसार 3,400 से अधिक होती। इससे लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है और ये भी कहा कि प्रदेश में सैंपल कलेक्शन का काम उसी तरह किया जा रहा है जैसा पहले था और अब राजस्थान में प्रतिदिन सैंपल जांच की सुविधा भी 5,256 हो गई है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 3,400 से ऊपर होती, लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसके संक्रमण के फैलाव पे हमने काबू पाया है और अब ये इसीलिए आज सुबह 9 बजे जो प्राप्त रिपोर्ट के हिसाब से 2,141 तक हम इसको रोक पाए हैं। हमने कई लोग कहते हैं कि सब सैंपल कलेक्शन के काम को कम कर दिया, ऐसा नहीं है। हर रोज 4,000-5,000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5,256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। कल भीलवाड़ा को ICMR की परमिशन मिली है टेस्टिंग की और RUHS को भी 250 टेस्ट पर डे करने की ICMR से परमिशन मिली, जिसको हम और बढ़ाएंगे, 1,000 तक ले जाएंगे। इसके अलावा हमने कोबोस 8800 मशीनें, उनका ऑर्डर दिया है वो जयपुर और जोधपुर के लिए। ये मशीनें जैसी आएंगी हर रोज 3,000 से 4,000 पर डे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी